तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग जो है, दैट इज, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। अच्छा बेटा, ट्रांसप्लांटिंग सबसे पहले तो क्या है? ट्रांसप्लांटिंग इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन आप सब बच्चे लिख ले, इट इज अ प्रोसेस इन विच सीडलिंग्स और रूटेड कटिंग्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स आर प्लांटेड और फ्रॉम, एक्चुअली दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, आर प्लांटेड फ्रॉम वन प्लेस, और वन प्लेस जो है इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें कि वो प्लेस आमतौर पर नर्सरी बेड हो सकती है, पॉट हो सकती है, गमला कोई, कंटेनर हो सकती है, कोई लकड़ी का कोई बक्सा या कोई इस तरह की चीज, टू अनदर प्लेस, और उस अदर प्लेस के बारे में लिखें कि दैट इज एक्चुअली यूजुअली परमानेंट साइट लाइक फील्ड, तो खेत हो सकता है, परमानेंट फील्ड है ये, ठीक है, वेयर दे ग्रो प्रोड्यूस, वेयर दे ग्रो प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये इसकी पूरी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बन गई ट्रांसप्लांटिंग की, कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी पौधे के हिस्से को या पौधे को किसी एक जगह से, और वो जगह मैंने स्पेसिफाई कर दी कि नर्सरी बेड हो सकता है, कोई बेसिकली मूवेबल चीज हो सकती है जहां से आपने निकाल ली है, टू अनदर प्लेस जो कि परमानेंट होगी, उसको लगाना है, तो वो बाद में वो वहां पर पौधा ग्रो करे, फ्लरिश करे, अपने फल फूल उठाए, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग, इसको ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग क्या है वो आप देख लें, क्यों आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसकी वजह क्या है, इसके बारे में कुछ एडवांटेजेस लिखें इधर। नंबर वन, सबसे अहम एडवांटेज क्या है, कि इट इज इकोनॉमिक यूज ऑफ लैंड, जमीन थोड़ी इस्तेमाल होती है, आप अगर नर्सरी में पौधे लगाएंगे ज्यादा तो आपके पास जमीन बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सकती है, आप 2 हेक्टेयर की नर्सरी जो है वो कुछ मरलों में लगा सकते हैं और बाद में उसको ट्रांसप्लांट कर दें जमीन के अंदर। दूसरे नंबर पर, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक यूज ऑफ सीड, तो ये दोनों चीजों का यूज इकोनॉमिक है, बीज भी कम इस्तेमाल होगा, बीज जाया नहीं होगा आपका। दूसरे नंबर पर, इजी टू रेज सीडलिंग्स, इसमें सीडलिंग्स को रेज करना आसान है, ये नर्सरी के एडवांटेजेस ट्रांसप्लांटिंग में भी डाल रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें इसका फायदा भी यही है ना, कि फिर वो नर्सरी में आपकी हैंडलिंग आसान हो जाती है, इजी टू रेज सीडलिंग्स ऑन स्मॉल लैंड या स्मॉल एरिया। अच्छा जी, उसके बाद लिखे इसमें, ऑफ सीजन प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग्स इज इजी अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन नर्सरी के अंदर ही आपके लिए आसानी हो जाती है, आप उसके ऊपर कोई शेल्टर दे सकते हैं पौधों को बारिश के अंदर, या सर्दी ज्यादा है तो ऊपर लिफाफा डाल सकते हैं, गर्मी ज्यादा है तो पार्शियल शेड दे सकते हैं ताकि पौधे उनसे बचे रहें, तो ये इसका एक फायदा है। देन इफेक्टिव सुपरविजन कैन बी प्रोवाइडेड, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, कि जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे, एक तो ये कि पौधों की सुपरविजन अच्छी हो जाती है, आप पौधों को देखभाल अच्छी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि देखो बीमारी तो नहीं आई, अगर बीमारी आई तो फौरन से उसको अलग कर दिया। आगे लिखे अगला, यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड कैन बी अचीव्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी प्लांट्स। अच्छा, उसके बाद इस तरह higher yield can be obtained from
नर्सरी ग्रोन प्लांट्स, क्योंकि जब आप नर्सरी में पौधे लगाते हैं वो स्ट्रेस में नहीं उगते, वो बड़े हेल्दी होते हैं, तो वो उनसे फिर आगे यील्ड भी अच्छी आती है। तो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। इसमें एक बात जो यहाँ पर इसने थोड़ी मिस कर गया मेरे ख्याल में, यहाँ पर लिखनी चाहिए और वो लिखें, वो ये है कि स्क्रीनिंग ऑफ प्लांट्स इज पॉसिबल। ये मैं बहुत राउंड सी बात लिखवा रहा हूँ। स्क्रीनिंग मुख्तलिफ तरीकों की हो सकती है। स्क्रीनिंग डिजीज के अगेंस्ट हो सकती है, स्क्रीनिंग वैरायटी के अगेंस्ट हो सकती है, ठीक है, स्क्रीनिंग साइज के अगेंस्ट हो सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल, उसके अगेंस्ट स्क्रीनिंग हो सकती है। एक मिनट बेटा जरा इधर रुकिएगा। ओके, तो ये एडवांटेजेस आपने लिख लिए जी, एडवांटेजेस ये आपने लिखने हैं अगर आपसे पूछे जाए। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ वेजिटेबल्स, और ये मैं आपको वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ 503 के कोर्स में। कैटेगरीज CATEGORIES, कैटेगरीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ये आपसे पूछी भी जा सकती है पेपर में, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी इन ट्रांसप्लांटिंग या अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो कैटेगरीज में ये मैं वैसे आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जरा जल्दी जल्दी इनके नोट्स बना लें, मैं क्विकली इनको कवर करूंगा। फर्स्ट वन इज इजी टू ट्रांसप्लांट, ऐसे पौधे जो बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसकी एग्जांपल में आप डाल सकते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है, टोमेटो, अनियन, टोमेटो डाले, अनियन रहने तो, अनियन इस तरह थोड़ा सेंसिटिव क्रॉप है, टोमेटो, ब्रिंजल, ये इजीली ट्रांसप्लांटेबल है। दूसरे नंबर पर डालें जी ट्रांसप्लांटेड विद केयर, इनके लिए आपको केयर की जरूरत है लेकिन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। उसमें डालें अनियन, उसमें डालें चिलीज, उसमें डालें सैलरी, सैलरी को छोड़ दें, अनियन और चिलीज डाल लें, यही दो काफी है। तीसरे नंबर पर है नॉट ट्रांसप्लांटेड, ऐसे पौधे जो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, नॉन ट्रांसप्लांटेड, इसके अंदर आप डालें ओकरा, भिंडी की पनीरी नहीं लग सकती, कुकर बिट्स जितने भी हैं सारे इसमें आ जाएंगे, टर्निप, ठीक है, शलजम, टर्निप, इसके अलावा फिनोग्रीक इसमें डाल दें। तो यहां तक ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। ये आपने कैटेगरीज लिख लेनी है। कैटेगरीज के बाद सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी जरा कुछ बातें लिख लें, वो भी अहम है, वो डिस्कस करनी जरूरी है। ये क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है कि सीड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, सीडलिंग्स को, सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांट करते वक्त सीड में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जो आपने देखनी है, ठीक है, तो उसके अंदर लिखें आप कुछ पॉइंट्स। नंबर वन, सीडलिंग्स शुड बी स्टॉकी, स्टॉकी मतलब कि खड़े हैं, मजबूत है उनका तना, स्टॉकी एंड स्टर्डी मींस टू से कि वो प्रॉपरली अपने पाँव पे खड़े हैं बीज, सीडलिंग्स सॉरी, ये नहीं है कि वो ढलके हुए हैं, वो वेट हो रहे हैं और आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे, ये पहले मरने वाला पौधा और आपने उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए सिलेक्ट कर दिया, आप अच्छे अच्छे हेल्दी प्लांट्स लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, सीडलिंग्स शुड हैव प्रॉपर एज, उनकी एज प्रॉपर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और इसमें लिख लें आगे, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ, 2-3 लीफ स्टेज, दिस इज आइडियल फॉर ट्रांसप्लांटिंग। तो जब आप पौधे सेलेक्ट कर रहे हो तो कोशिश करें एक जैसी एज वाले पौधे लें, सब दो, अगर दो पत्ती तीन पत्ती वाले पौधे ले रहे हैं तो 3 लीफ स्टेज वाले सारे पौधे लें, ये ना हो कि कोई 5 पत्ते वाला है, कोई 2 पत्तों वाला है, उससे प्रॉब्लम है। नंबर थ्री जो है दैट इज सीडलिंग्स मस्ट हैव अ गुड रूट सिस्टम, उनका जो रूट सिस्टम है नीचे फाइबरस वो प्रॉपर बना होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, जड़ें सही हों, साबुत हों और हेल्दी ग्रोथ रूट्स होनी चाहिए। नंबर फोर, सीडलिंग्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्ट और डिजीज अटैक,
बज़ाहर आपको इन उसके पत्तों पे, उसकी जड़ों पे कोई बीमारी के आसार नजर ना आए, तो ये उसके अंदर एक और चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने, ये चीजें आपने देखनी है जब आप इसको ट्रांसप्लांट कर ले। एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग में आप कुछ बातें जो लिखवानी है, आज मैंने, मेरी कोशिश थी मैं पढ़ा दूं लेकिन बस वो मीटिंग की वजह से मैं भी लेट हो गया। एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग में आप लिखें यहाँ पे, मैं अब ये मैं रेज करने लगा हूँ, बच्चों इसको आप तस्वीर बना लें इसकी, मैं रेज करने लगा हूँ। ओके, तो इसमें एक हेडिंग डाल लें एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग की, और इसमें लिखें कुछ बातें। उसने कहा है सबसे पहले तो ये कि ओवर एज्ड सीडलिंग्स, जो आप ज्यादा पुराने यानी ज्यादा बड़े सीडलिंग्स लगाने की कोशिश करते हैं, उनका नुकसान ये होता है कि द ओवर एज सीडलिंग्स हैव हायर मोर्टेलिटी रेट, वो ज्यादा मरते हैं फील्ड के अंदर, एंड हैव स्लो स्टैब्लिशमेंट, और वो बड़ी देर से जाके कहीं खेत में अपने पांव जमाएंगे, क्योंकि उनकी रूट्स जो हैं वो इतनी डैमेज हो चुकी होती हैं। मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि जितना पौधा आप कह लें कि बड़े बड़े साइज का आप लेंगे ना, जिनकी रूट्स काफी स्टैब्लिश्ड हैं, जब आप उसको जमीन से निकालेंगे इट विल ब्रेक इट्स रूट्स, और जितनी रूट्स ज्यादा डैमेज होंगी उतना पौधे को ज्यादा टाइम लगेगा उस सदमे से निकलने में, उस स्ट्रेस से बर्दाश्त करने में। तो आमतौर पर ओवर एज सीडलिंग्स को अवॉइड किया जाता है, एक चीज। नंबर टू, इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप ओवर ज्यादा ओवर एजिंग की तरफ जाएंगे नर्सरी में, इन केस ऑफ ओवर एजिंग एट नर्सरी लेवल, आप अगर नर्सरी लेवल पर ओवर एजिंग करने देते हैं पौधों को, बढ़ने देते हैं, आप कहते हैं कोई नहीं थोड़े से और पत्ते निकाल लें, थोड़े से और पत्ते निकाल लें, तो उसका क्या नुकसान होता है कि the plants will shift toward रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव फेज, वो रिप्रोडक्टिव फेज में दाखिल हो जाएंगे ड्यू टू स्ट्रेस। वो पौधे नर्सरी में करीब करीब लगे होते हैं, और जब आप उन पौधों को एक बेड में से नहीं निकालते तो उनके लिए जगह तंग पड़ जाती है, और वो जब जगह तंग पड़ जाती है पौधों के दरमियान, देयर विल बी कॉम्पिटिशन फॉर लाइट, फॉर फूड, फॉर वाटर और फॉर स्पेस, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई पड़ जाती है, और वो एक दूसरे के लिए, वो क्या होता है कि जब वो एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन पड़ेगा, तो प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करने की बजाय रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे कि चलो जी अब फूल निकाल लो जल्दी जल्दी, और अपनी, क्योंकि वो उनको जिंदगी का खतरा लाहक हो जाता है। तो ये उसमें एक फिनोमिना है। उसके बाद इसमें इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि बोल्टिंग इन अनियन, बोल्टिंग इन अनियन, इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऊपर वाले की, बोल्टिंग इन अनियन एंड प्रीमेच्योर सीडिंग इन कैबेज आर बेस्ट एग्जाम्पल्स, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स है। कैबेज में ना इस फिनोमिना को, ये जो कैबेज में प्रीमेच्योर सीडिंग होती है, अगर गोभी को खास तौर पे ये बात याद रखिएगा जो मैं आज बता रहा हूँ, गोभी में क्या होता है कि अगर गोभी कहीं पे लगी है, वो चौड़े पत्तों वाली फसल है, उसको ज्यादा जगह चाहिए खेत में, अगर आप उसको नहीं निकालते और ज्यादा पत्ते निकल आते हैं उसके, चार की बजाय पांच छह पत्ते निकल आते हैं, देन देयर विल बी कॉम्पिटिशन, और क्या होगा कि गोभी के सेंटर में एक छोटा सा फूल बन जाएगा गोभी का, एक प्री मेच्योर सीडिंग उसको बोलते हैं, छोटा सा गोभी बन जाएगी छोटी सी, और इस फिनोमिना को बटनिंग बोलते हैं, वो छोटा सा बटन जो होता है उसको कहते हैं बटनिंग। ये बटनिंग जो है ये बहुत नुकसानदेह है गोभी के लिए, एक बार अगर गोभी का ऐसा छोटा सा फूल बन गया खेत में, तो फिर अब ये आगे पौधा नहीं चल सकता, इसको आप खेत में लगाएंगे भी तो ना तो ये गोभी आगे बढ़ सकती है, और ना ही अब ये पत्तों की तरफ वापस जाएगा, क्योंकि इसने रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट कर ली है। तो ये बटनिंग का फिनोमिना आपको पता होना चाहिए, कैबेज में अक्सर होता है ये बटनिंग का फिनोमिना, ये क्या है। अनियन में जो बोल्टिंग है ये क्या है कि अगर आप पौधों को ज्यादा देर के लिए खेत में लगा रहने देंगे, पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे, उसके पत्ते ज्यादा है, आप उसको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे तो खेत में जाके वो पौधा स्ट्रेस में आएगा, और वो जल्दी उसमें से सिट्टा निकल आएगा, वो बोल्ट कर जाएगा, उसके ऊपर फ्लावर लग जाएंगे, एंड दी फ्लावरिंग की वजह से क्या होगा कि ना तो नीचे प्याज बनेगा और ना ही वो पौधा जो है आगे बढ़ सकता है, बीज भी बुरी क्वालिटी के बनेंगे क्योंकि पौधे के पास रिसोर्सेज नहीं है उसको बनाने के लिए, और नीचे प्याज भी नहीं बनेगा क्योंकि वो पौधे ने अब वो शिफ्ट ही चेंज कर ली है, वो बाइनियल फेज में, दूसरी फेज में दाखिल हो गया रिप्रोडक्टिव। तो ये जनरल बातें कुछ इसके बारे में, ये आप देख लें, इसको आप लिख लें। अच्छा, उसके बाद इसी में
ये कुछ बातें होगी। इसके बाद इसमें आखिरी चीज जो आपने लिखनी है, मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ, आपने लिखनी है एज क्या है ब्रिंजल के केस में, इन केस ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की अगर पनीरी लगा रहे हैं आमतौर पे जो एज होती है डेट इज 3 to 4 weeks, इसके बाद आपको 3 to 4 weeks के बाद, 3 to 4 weeks यूं कर लें, इसके बाद आपको वो उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए ब्रिंजल को। कॉलीफ्लावर में भी ये सब में यही है, ब्रिंजल कॉलीफ्लावर ये सब की सेम है एज जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कॉलीफ्लावर हो गया, चिलीज हो गई, ठीक है, टोमेटो हो गया, और इसी तरह अब अनियन के केस में थोड़ी चीजें चेंज है। अनियन के लिए लिखें 6 to 8 weeks, 6 to 8 weeks ये प्याज के लिए आइडियल फेज 6 to 8, और कैबेज के लिए, फॉर कैबेज जो बंद गोभी तो ऊपर हमने फूल गोभी तो ऊपर करवा दी ना कॉलीफ्लावर, बंद गोभी के लिए जो है डेट इज 4 to 6 weeks। तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, ये आपने देख लेनी है, अगर आपसे पूछा जाए 4 to 6 weeks ये आपने याद रखनी है। ये तीन फेजेस मैंने, तीन स्टेजेस आपको कुछ आइडियल एजेस बताई हैं, ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं बाकी चीजें पढ़ाऊंगा, अब टाइम भी थोड़ा है, आप ऐसा कीजिए काइंडली इसकी एक बना लें, ये पार्टिसिपेंट्स के एक स्क्रीनशॉट बना लें, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूंगा टॉपिक को।